हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मॉमीवर्स। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने बहुत ही ज्यादा मिस किया। एक्चुअली अभी काव्या थोड़ा बड़ा हो चुका है तो उसे ज्यादा अटेंशन देना पड़ रहा है, प्लस ऑफिस का भी काम रहता है, तो पूरा टाइट शेड्यूल होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अभी से मैं पूरा ट्राई करूंगी कि वीडियो हमेशा टाइमली अपलोड करूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक है How to enjoy your outing with a toddler. So, काव्या के साथ हमने आज संडे वाला आउटिंग किया पासी के एक रिजॉर्ट में, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो काव्या आते ही शरारत शुरू कर दिया है। काव्या अभी 14 मंथ कंप्लीट कर चुका है और चलने से ज्यादा उसे दौड़ना पसंद है, और अगर हम लोग खाने के टाइम पे बैठते हैं तो उसे चम्मच के साथ खेलना पसंद है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम टर्न बाय टर्न खाना खाएंगे सो दैट काव्या पे अच्छे से नजर रखा जा सके। खाने पीने की शुरुआत हमने कॉफी और बिस्किट से करा। काव्या को शांत रखने के लिए हमने उसे भी बिस्किट खिलाया। He was too happy with the biscuit. गर्मा गर्म कॉफी पीने का मजा ही कुछ अलग है। कॉफी was simply awesome. हाय मेरे लल्ला, कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार आने लगता है इसमें, और इसी के साथ उसका फिर से शरारत शुरू, और इसका शरारत कम होने का नाम लेंगे। हमें ज्यादा भूख नहीं लगी थी तो हमने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का खाया जाए, इसलिए हमने शावरमा रोल और फ्रेंच फ्राइज मंगवाया। जब खाना परोसा गया तो हमने ये नोटिस किया कि खाने को देखकर ज्यादा एक्साइटेड तो काव्या हो रहा है। हमने ये एंश्योर किया कि उसके दोनों हाथों में कुछ ना कुछ खाने का पोर्शन होना जरूरी है ताकि वो यहाँ वहाँ हाथ ना चलाए। खाना खत्म करने के बाद पापा ले गए काव्या को लॉन पे खेलने के लिए, और यहाँ भी काव्या खेलने से ज्यादा घास उखाड़ने में बिजी। ये देख पापा हुए परेशान तो बहुत हुआ मस्ती। अभी हमने डिसाइड किया कि अभी घर वापसी किया जाए, करते हैं थोड़ा आराम। तो सभी व्यूअर्स को कैसे लगी मेरा ये शॉर्ट से थोड़ा सा बड़ा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बोलिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।